इसी तरह किसी रूप को काफर के घर में आना था, उन्होंने मनसूबा बंदी गई और मुस्लिम मुस्लिम घर में चली गई। अब इस अल्लाह तारा ने हमको लिखा था बेचारा, अब जो काफर के घर में मुस्लिम भी चली गई उसके लिए अल्लाह तारा ने ख्वाजा साहब वही बताया ना, वहाँ ख्वाजा साहब उनको हरी करी कलमा पढ़ा अल्लाह गुजरने लगाई, वही जो मुस्लिम हुई थी वो उनके साथ मिल गई, जो काफर हुई थी वो तुम नहीं सकते, वो तो मैं खाली नहीं। अब वो जो काफर में मुसलमान में आ गए उनका क्या होगा? अब चूंकि वो बच्चा मुस्लिम के घर में होगा, सारा माहौल मुस्लिम का हो गया, उसका अंदर से चीज तो वही थी ना, उसके लिए मिर्जा गुलाम अहमद जैसे गए बड़े तरीके से मुसलमानों से निकल गए। इस वजह से उन लोगों में ऐसे हुए हैं जिनको अल्लाह सकता है, जब हमको अल्लाह ना सुनाते हैं ना अल्लाह में नहीं जाते, इधर मुसलमानों में ऐसे हुए जिनको अल्लाह नहीं चाहता, जो कुफार किस्म के हैं वही है तुम्हारे जिक्र से भी मुखालिफ करते हैं। लेकिन अल्लाह को करने में क्या हासिल है, क्यों चलते हैं लोग, उनकी निशानी है। आला हजरत ने जो मनियों में ली जब उनकी महफिल में जो बदी जाना शुरू हो गए, उन्होंने वो सलात व सलाम को पढ़ना शुरू कर दिया ताकि जो छाटी हो जाएगी तो वो सलात व सलाम से छिड़ते थे ना, छाटी होगी ना। अब जो ना अब जो अल्लाह उसे छिड़ता है जो सलात व सलाम से छिड़ता है वो मुनाफिक छाटी है, ऐसा हम नहीं कह सकते ये मुसलमान है रब के नजदीक पता नहीं कौन आता है, ये हजी है ये नमाजी है रब पता नहीं, जितने नमाजें पढ़ते हैं रब से दूर हो गए, हो सकता है नमाजें पढ़ पढ़ के सीधे में तकबर आ गया, गुस्सा आ गया, हसद आ गया, बुखल आ गया, शैतान में यही था ना, बहुत बड़ा नमाजी का दिल में बुखल था, अल्लाह को ये नमाजें पसंद है, अल्लाह को ये दिल पसंद है, अल्लाह को चमकता होता है, मैंने तो नमाजें पढ़ते फरी में पढ़ते अपने लिए पढ़ते उसके लिए पढ़ता है, जन्नत के लिए पढ़ते हैं उसके लिए दिल है, दिल साफ करेगा कि नियत ये होगी मेरा दिल चमके मेरा रब्ता अल्लाह से होगा, ये नियत है ना नमाज मेरी नियत ये है खूब नमाज पढ़ूँ मुझे जन्नत हो गए मेरा, उसमें लालच है इसमें लालच है जिसमें अल्लाह अल्लाह की तरफ रुख होगा तब अल्लाह मिलेगा, तुम्हारा रुख जन्नत की तरफ। कुछ हिंदू बच्चे देखे हैं मेरे साथ पास पर जाते हैं स्कूल, और कुछ हिंदू सरदार देखे हैं कि जब कभी कुवालियाँ लगाएं या जो हाफिज़ मुस्लिम साहब ने मदरसे पढ़ी हुए लगाए ना तो वो बड़ी पसंद कर रहे हैं, तो समझ भी नहीं आएगी बच्चों को, और बाबा फरीद की कुछ कुवालियाँ लगाता हूँ तो झूमते हैं उसके ऊपर, वो लोग पेसर मांग लेते हैं मुझे पता नहीं कुछ पहले उनका अल्लाह ना चला उनको अल्लाह ले दिया मौजूद टकरा गया घटा दिया इनको अल्लाह अल्लाह ठीक है आप कहते हैं अल्लाह कहते हैं पूजा पाठ हम वही करते हैं पहले करते हैं, अब जब थोड़ी सी बात करते हैं ना तो चक्कर आना शुरू अब क्या करें बस लग गया पता है जब अल्लाह अंदर चला गया जिधर अल्लाह इधर हो ही है अब उन्होंने अपना गुलाम रखा सोमनाथ मंदिर कोई तारीख रिकॉर्ड है कि गुरुद्वारे में किसी मुसलमान ने जाके खिलाफ किया कोई तारीख नहीं बेशक ये तारीख क्यों दोहराई गई गुरुद्वारे में उन लोगों ने दावत दी था आफ्ताब
गुरुद्वार वालों का अवधि गिरजू वालों की अवधि मंदिर वालों का अवधि अब ये जो इमाम भार्गव वाले उन्होंने भी दावे नहीं वहाँ प्रोग्राम करके बहुत बड़ा विशेष मामला इसका मतलब हर तबके में कुछ अल्लाह की तलब है कुछ तो बाकी जो तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह ताला इफ़ाल से मिलेगा वो मुश्किल है किस्मत से मिलता है कोई चाहेगा भले पास पा भी कर चोरी करने चला जाए मुर्गे को तो बन गया जाए चोर कौन सी बात जानता है जीत बने जाए बताते बात रात रात वास्ते जिसको चाह बस जिसको चाह रहे तो कोई के कैसे हो सकता है उसकी कुदरत का मुनकर हो गया हर चीज पे कहते हैं यहाँ कहते हैं इसको नमाज भी नहीं आती है इसकी दाई भी नहीं कैसे हो गया इसमें ये थोड़ा सा है जिसको चल है कोशिश करें ना सब कुछ नहीं लुटाया उसको तो तुम चाहेगा ये चाहिए सब लुटा घर बार सब नहीं कुछ लेकिन जब चल है फिर तो मतलब उस चाह अब तुमने चाह लिया ना अब जो कुछ मैं खर्च करूंगा अब रहेगा तो जाएगा अब चाह जो लिया जब तक नहीं चाह सही रहे नहीं पता नहीं उसका कबूल होगा कि नहीं चाह लिया ना तो उस चाहने की गारंटी है वहां एक अंग्रेज ने कहा मैं मुसलमान हो गया तैयार हूं भी तैयार हूं शराबें भी छोड़ दूंगा नमाज भी पढ़ूंगा जो कुछ हो सारे काम करेंगे लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्या तुम्हारे आलम कहते हैं गारंटी फिर भी नहीं है दो जगह वो कहते हैं कि हमें अपनी गारंटी नहीं हम तेरी कैसी गारंटी दे कहते जब गारंटी नहीं तो मैं सब कुछ क्यों करूं बात भी सही है ना अगर गारंटी नहीं है तो मैं सब कुछ क्यों करूं कहना वो सरत कमजोर है जिसकी गारंटी एक गरीब गारंटी देता है ना अगर कोई गारंटी नहीं देता तो इसको कैसे तुम्हारा मजा हो जाता इस वजह से इसकी गारंटी नहीं क्या गारंटी दो था मैं फिर सब कुछ छोड़ने नहीं तैयार हूं अब वो गारंटी क्या है अब तुम्हें भी नहीं पता तुम दोस्त की वजह बेचती हो कोई पता नहीं है ना लेकिन इसमें गारंटी गारंटी गली को पता है कि गारंटी गारंटी मौलवी डराता है एक नमाज नहीं पड़ेगा 50 साल पीछे चला जाएगा जहन्नुम में चला जाएगा यही कहता है ना वो इतना डराता है लेकिन गारंटी फिर नहीं देता वली गारंटी गारंटी अबुल असल फरकानी वली थे लेकिन अल्लाह ताला ने कहा अगर मैं तेरे पिछले काम लोगों को बता दूं जो करता रहा है लोग तुझे पत्थर मार मार देंगे संसार का ठीक है अल्लाह अगर मैं तेरी रहमत को मतलब लोगों को बता दूं तो कितना मेहरबान है कि तुझे कोई भी सजदा न करे तू बता तो ना हम बता तू भी ना बता हम भी नहीं बताते वो जो गारंटी का राज है वो क्या है सुल्तान बोल में पढ़ा कि जो मेरा मरीज है पहले दिन मिसले बाज में कुछ कोई बात समझ नहीं आती बाज में कुछ मुबला ऐसा जंगलों में रहे थे मेरे गली बने ये कहते हैं कि मेरा मरीज पहले दिन ही नहीं था जबकि ये गुनहगार है इसको नमाज को नहीं आती ये अभी तो उसको ना जिक्र नमाज पहले नहीं आया वो उनकी तरह कैसे हो सकता है बात समझ में आती है भाई उस तामी रहमतुल्ला 12 साल जन्म में हर किस्म की इबादत करते रहे तो फिर उनका कलब जारी हुआ अल्लाह हमारा मरीज पहले से कलब जारी हो जाता
میرے پاس ہی ہے وہ 12 سال کے بعد اللہ نے منظور کیا، اس کو پہلے اللہ منظور کر لیتا ہے پھر یہ عبادت میں چلتا ہے، وہ عبادت کے بعد منظور نظر ہوا۔ اب ذکر قلب کا یہ ہے کہ یہ اپنے بس میں، اگر اپنے بس میں ہوتا آج ہر آدمی نے نماز کر لیا، یہ اپنے بس میں نہیں ہے، یہ عطا ہے، یہ رب کی طرف سے عطا ہے، جس کو چاہے، جس کو ذکر قلب عطا ہو گیا رب کی طرف سے، اس کی نشانی اس کے اندر اللہ لشن ہو گئی۔ جس طرح آپ حج میں جاتے ہیں، اگر آپ کا حج قبول ہو جائے آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ذکر قلب کی بھی یہی ہے، جب اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے نا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، یہ حج سے افضل ہے، وہاں پتہ نہیں آپ کے اوپر نظر پڑی یا نہیں پڑی، یہ نظر پڑی تھی آپ کا ایسا ہوگا، یہ نظر پڑی تھا ایسا ہوگا نا، وہاں پتہ نہیں آپ کی نظر پڑی نہ پڑی، وہاں آج قبول ہوا تو پچھلے معاف ہو گئے نا، یہاں پچھلے بھی معاف ہوئے تو اگلے ہو رہے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ ہم کو کاٹ رہا ہے نا، اللہ اللہ ان کے کفارہ کر رہا ہے، یہ ایک بہتر دریا ہے، تو جو بھی اس میں گندگی آتی ہے نا تو وہ بھاگ کے لے جاتا ہے، وہ بھی گندگی آتی ہے اس میں بھاگ کے لے جاتا ہے۔ تو یہ ذکر قلبی گارنٹی ہی گارنٹی، اگر کسی کو رب کی طرف سے عطا ہو گیا وہ گارنٹی ہی گارنٹی۔ پھر اس کے لیے غوث پاک نے فرمایا، جب یہ غوث پاک کے پاس تھا انہوں نے فرمایا میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا، 70 مرتبہ اللہ سے بڑھ ایمان کے بغیر نہیں جائے گا، اور یہ بھی کہا میرا مریض جیسا بھی ہے وہ بھی مان کے بغیر ہی جائے گا، مریض ہو ہے جس کا ذکر اللہ لے قلب اللہ کرے اس کو انہوں نے مریض کہا ہے، میرا مریض ہو گیا جس کے قلب نے اللہ کرنا شروع کر دی، پھر وہ گناہوں میں لگ گیا، مرتے وقت پھر اس کو اللہ جاری دے، مرتے وقت پھر اس کو اللہ جاری ہو جائے گا۔ یہ کراچی میں ایک افضال ہے ذکر ہو رہا چلتا تھا، ان کو سخت بخار ہو گیا اور کسی طریقے سے اترے نہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب میری زندگی جو ہے وہ آخری، یہ بھی سوچنے لگے کہ میرا ذکر بھی مانے، یہ خیال آیا کہ غوث پاک نے کہا تھا کہ جتنا بھی بڑا گنہگار ہے لیکن مرتے وقت اس کا قلب جاری جائے گا دوبارہ، میرا قلب جاری، کہتے ہیں میں نے سوچا میرا اللہ نے شکر، ادھر حدیث ہی میں کہ جس کا مرتے ہوئے زبان میں کلمہ پڑھتا ہے حساب کتاب کے، ایک بزرگ تھے حضرت امام رازی، وہ بہت کلمے کا تکرار کرتے ہر وقت، وہ کلمہ پڑھتے رہتے، اتنی عادت ہو گئی اس زبان کلمہ پڑھتے، جب مرنے کا وقت ہے شیطان کو پتہ چلتا ہے، ادھر یہ ہے کہ جس کی زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب، اس کی زبان پہ تو کلمہ ہے، اب یہ پڑھتا پڑھتا جائے گا آسانی سے جنت میں چلے جائے گا، چلو اس کو بول جاؤں، پوچھنے لگے شیطان کے تو یہ بتاؤ کہ تم نے رب کو کیسے مانا، تسلیم کیا، انہوں نے ایک دلیل دی، نہیں یہ غلط ہے، دوسری دلیل یہ، تیسری میں نانا دلیل دی، اس کا مطلب ہے اس دلیلوں میں بھی جان نکلے، کلمہ نہ پڑھ سکے، اس کا مقصد یہ تھا۔ ادھر ابھی نجم کوبرا دیکھ رہے تھے، وہ ایک ولی تھے، یہ امام راضی ان کے پاس ایک دفعہ گئے تھے لیکن ان کو ان کی کوئی چیز پسند نہ آئی، نہ مڑ کے واپس آئے، انہوں نے دور سے دیکھا، انہوں نے کہا چلو ایک دفعہ تو آیا تھا نا، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، دور سے پانی کا چھینٹا مارا، کہا نانا تو کیا میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا کلمہ پڑھ، اس وقت کلمہ پڑا تو جان پرواز کر کے، لیکن اب وہ شرط نہیں تھی نیک ہو آپ ہو تو زید ہو، شرط یہ مرتے وقت جس کا کلمہ، یہ شرط ہے، اور یہ جن کے یہ دل اللہ میں لگ جاتے ہیں تو مر بھی رہے ہوتے ہیں اللہ کر کے، حتیٰ کہ وہ مر بھی جاتے ہیں 1.5 سیکنڈ کے بعد
मरने के 1.5 सेकंड के बाद ये दिल की धड़कन बंद होती है। मर भी रहे थे अल्लाह कर रहे थे, मर भी जाए तब भी अल्लाह। ये है फजीलत जिक्र करके, इसमें शर्ती यह है, अल्फी है कि ज़ातुल क़ल्बी कभी दो ज़ख्म नहीं हो सकते, क्योंकि हदीस शरीफ में खुद है कि जिसमें जरा भी नूर है, जरा भी मामूली नूर की करण है, वो दो ज़ख्म नहीं जा सकते। अल्लाह करता रहा साल, दो साल, पाँच, दस साल, उसमें नूर तो आया ही होगा, नूर तो आया ही होगा ना उसमें। अब रहा सवाल, उसमें नूर भी आया लेकिन उसका नफ्स पाक नहीं हुआ, उससे गलतियां भी हुई। नूर भी आया उसमें लेकिन उसके साथ गलतियां भी हो रही, तो फिर उसका सजा कर कैसे देंगे? आज इसी दुनिया में उसको बीमारी, कोई बीमारी लगा दीजिए या कोई परेशानी लगा दी जाएगी, या कुछ अर्सा कब्र में रख दें, या कुछ अर्सा कब्र में रख दें, फिर भी अगर उसकी गलतियां ज्यादा हैं तो फिर दोस्त को लेके जाना नहीं है उसको, उसको बहशत में ले जाएंगे, बहशत में उसको सजा देंगे। बहशत में सजा बहुत से तुम्हारी टांगे बांध है, बाजू बांध है, जिसमें जरा भी नूर है ना वो दो रखना चाहिए। इसके ऊपर रोज पाक का 70 मरतबा वादा है, अल्लाह ताला का भी है कि जिसमें जरा भी नूर है दो रखना जाएगा। बाकी इस नूर के साथ जब वो नमाज रोजा मिलता है ना उसकी तरक्की होती है। अब ठीक है, जाकर कल भी कलब के जिक्र वाला दहशत में चला गया, लेकिन वो खुलद में रहेगा, उसके आगे भी दर्जे हैं। हमारे अंदर 7 मखलूक है, हर मखलूक का तलक एक एक आसमान से है और एक एक बहस से है। ये तुम्हारा कलब, इसके लिए तुम खुद में चले गए, लेकिन आगे दार इस्लाम भी है, दार करार भी है, उसके लिए जब तुम दूसरे जिक्र सीखो ले उनके जरिए तुम उधर जा सकते, वरना नमाज ही काफी था या जिक्र कलब भी काफी था, ये बाकी आगे जिक्र होता है भी कोशिश। एक वक्त आता है वो तुम्हारे अंदर मखलूक है, इसको हिंदू मानता है। हम आयरलैंड में गए तो उन्होंने काम को पता, सिर्फ नाम तुम कहते हैं हम शंदरी कहते हैं, वो कह रहे हैं मखलूक है हमको पता है, बल्कि हम तुमको उतना नहीं पता, तुम हमारे को हंसते हो, हम जो जाते हैं ना उनको जला के आते हैं तो मुड़ के घर में आ जाती है, वो माँ वापस हमारे घरों में आ जाती है, उसकी जो अंदर शंतरियां होती हैं। उन्होंने कहा हम इसको तस्लीम करते हैं, उन्होंने कहा ये भी तस्लीम करते हैं, अगर इसमें शंतरियों को ना दो तो नारी हो जाती है, दूर दो तो नूरी हो जाती है, हम इसकी तलाश में, हम इसकी तलाश में, हम इनको नूर दें किस तरीके से दें किधर से दें। जब उनको बताया ना कि ये दिल की धड़कन से, उन्होंने कहा ये सुना था कि उनको कलब से नूर मिलता है, ये नहीं सी पता कि दिल की धड़कन के लिए नूर अंदर होता है, उन मुसलमानों से ज्यादा है उनके पास। तो इसी बात के ऊपर शंतरियों के ऊपर बंदे शंतरियां हैं, तो शंतरियों को जा दो, हमने कहा जब ये नूरी हो जाएंगी तो फिर जब यहां से निकलेंगी तो देख लेंगी ना किसके आगे सारे नबी वली झुके हुए, जाके झुकेगी बहुत ही खत्म होगी। शरीयत मजहब मुकाम शनीद है, और ये शंतरियां लता है मकाम दीद है, ये जाके देखती है, ये इतना इलम है। शरीयत का कोई नहीं है, जब दाढ़ी पूरी हो जाए नमाजें पढ़ ले और शरीयत में आ गए। अगर तरीकत बोलते हैं कि तरीकत क्या होती है, ये जो तुम्हारे अंदर की मखलूक हैं जिस दिन उनको गजा मिलना शुरू हो जाती है वो तरीकत, 12 साल तक उनको गजा देते रहते हैं। आप देखा होगा जंगलों में बाबा फरीद 12 साल, लंदर पाक 12 साल, बड़ी माँ 12 साल, 11 साल क्यों नहीं या 13 साल क्यों नहीं, 12 साल का क्यों हंसता है? जिस तरह बच्चा 15 साल में बालिग हो जाता है, नौकरी के काबिल हो जाता है, ये है ना जी, और ना नौकरी मिलती है ना बालिग है, इसी तरह ये 12 साल में बालिग हो जाती है, हजूर पाक की महफिल के काबिल हो जाती है। ये 12 साल की हो गई है, अब उनको वहां इजाजत है, जा सकती है, बालिग हो गई है, ये तरीकत है। ये जब वहां चली जाती है तो वहां 1 साल हजूर पाक इनको पढ़ाते हैं, अल्लाह ये जिसम पढ़ने के लिए नहीं जाते, वो जो अंदर की चीजें है ना, जिस तरह तुम शहर को सोते हो दूसरे शहर में जाते हो, वो भी तुम्हारे अंदर की मखलूक है, वो शैतानी मखलूक के शैतानों में जाते हो। अब बाकी मखलूक रहमानी
रहमान मेरा तो एक साल हजूर पाक उसको तालीम देते वहाँ एक नहीं होता कि लाखों यहाँ सबक चलते हैं इलादा मखलूके हैं इनके इलादा के नायब हैं जिससे बोलते हैं कोई हजरत अली के पास थे कोई अपने मुर्शिद के पास थे कोई हजूर पाक वहाँ इनको तालीम नहीं देते हैं एक साल की तालीम के बाद उसको हकीकत बोलते हैं फिर सात दिन मार्फत मार्फत ही सुना होगा ना सिर्फ सात दिन में सब संग पारस दुनिया के पूरे जहां भी खजाने दफन है ना कारू मरा के सब उसको दिखाए जाते हैं कि जहां से जी चाहे जितना चाहे उठा ले जहां से वो सब दिखा दिए जाते हैं संग पारस तक कि रगड़ेगा तब भी पर सोना बन जाएगा लेकिन वो सब उसका दिल इतना ठंडा हो चुका होता है कहता मुझे ये नहीं चाहिए मुझे अल्लाह हाँ अगर वो उनमें से इस्तेमाल करे तो उसका जो अल्लाह के दीदार वाला अरसा है ना उसको सात दिन ही करना होता है ना फिर उसका दीदार का सफर लंबा होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे अल्लाह चाहिए फिर उस सात दिन के बाद अल्लाह का दीदार कर अब वो अल्लाह का दीदार वो बंदा नहीं देखता इन्हीं में से कोई मखलूक है वो जो जाती है अल्लाह का दीदार करके आती है ना जब अल्लाह का दीदार करके आती है तो फिर वो इसी जिस्म में आके दाखिल हो जाती है ये आंखें नहीं देखती इन आंखों से हजूर पाक ने इन आंखों से देखा बाकी किसी के जहर में कोई नहीं जा सकता गरीब जितने हैं ये मकतूब को फिर जब वो नीचे उस बंदे में आ जाता है बस उसका कनेक्शन अल्लाह से हो या उस बंदे का कनेक्शन भी अल्लाह से हो जो उनके पास जाते हैं उनका कनेक्शन भी अल्लाह से हो ये बना लोग सिर्फ शरीयत में आगे नहीं जाते अब उसकी वजह और भी आसान शीत सख्त भी शीत है लेकिन वो फौजी आगे कोर्स नहीं करता है ना जब कोर्स नहीं करता सारी उम्र परेड करता रहता है ना अब ये नमाज ही पढ़ता रहता है अब आगे इस रास्ता नहीं का पता अगर इसको बता दिया जाए कि ये भी मंजिलें हैं तो इस दस में से हो सकता है कोई एक आदमी हो जिसको अल्लाह की तरफ दस ना जाए एक ही चला जाए शेख सुल्तानपुर रहमतुल्लाह ने एक किताब लिखी नूर अदा उसका नाम है बड़ी पेचीदा किताब है लोग पढ़ते हैं कई लोग ऊपर जो पागल हो गए कई लोग जो ना वो मना उस किताब को एक दिन शेख सुल्तानपुर रहमतुल्लाह से पूछा आपने ये किताब जो लिख दी इसकी जरूरत क्या थी लिखने बजाय हदायत के लोग परेशान हो रहे हैं उसमें लिखा है अगर तेरा मुर्शिद है तो सात दिन के अंदर अंदर तुझे वो सारे खजाने अगर तू भूखा है तो सारे खजाने दिखाए ना तो ऐसा मुर्शिद कौन है जैसे कैसे हो सकता किताब तो मार्फत की थी आप जो मार्फत में नहीं है वो लेके बैठ गया उसको वो मुर्शिद जाके ये चीज तलब करता है जो मार्फत वाले ने तलब करनी थी वो तो गया ना उस वक्त गया ठीक है किसी की समझ में नहीं आते ना आए हजार साल में आए हजारों की समझ में ना आए अगर हजार साल के बाद किसी एक की समझ में आ गई वो हजारों को समझा देगा वो मेरी मेहनत जो है ना कारगर सुल्तान साहब ने एक जगह लिखा कि ये जो मौलवी हैं ये अल्लाह के रस्ते में डाकू मौलवी तभी वली से सीखते हैं बात समझ में नहीं आती है तो हमको नमाजें पढ़ाते हैं कुरान पढ़ाते हैं सुल्तान साहब कहते हैं ये डाकू अल्लाह के रस्ते में हम यही समझते हैं अल्लाह रास्ता यही है ना जब हम इस लैन में आए ये अल्लाह की जरूरत में लगाएं तो सबसे ज्यादा मुखालत हमारी मालूम है हम जिसको अल्लाह का रास्ता समझते हैं वो अल्लाह का रास्ता वो नहीं वो जन्नत का रास्ता ये जो हम नमाजें वगैरह सब ये जन्नत का रास्ता है ना अल्लाह का रास्ता तो ये दिल जाना ये हमको पता है जब हम दिल में अल्लाह की तरफ लगे ना दिल के रस्ते वाले लगे ना तो हमारी मुखालिफ शुरू हो गई ना अब बेशक तुम तजर्बा करो
मस्जिद में जाओ, जन्नत का रास्ता करो, मौली बड़ा खुश होगा। अल्लाह का रास्ता अख्तियार करो कि मैं दिल से अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, जरबे लगाओ, देखो तुम्हारे पीछे कैसे लगते हैं। अल्लाह का रास्ता ठीक है, कुछ लोगों के नसीबे में वो रास्ता है, कुछ ऐसे हैं उनमें इनके नसीबे में ये रास्ता मिले, फिर वो क्या कहते हैं वही लोग, अगर हमारे नसीबे में होगा हमको मिल जाएगा, यही कहते हैं ना, तेरे रिज़्क तेरे नसीबे में रिज़्क था वो भी तो मिल जाता तू याद पाया। इन नसीबे ये भी मानता है कि नसीबे में रिज़्क होता है तो फिर वही मिल जाता ना, यहाँ क्यों आया, यहाँ से क्यों मिला। मखदूम जाने से किसी ने पूछा तो जब रिज़्क मकदर में लिख दिया तो फिर उसके लिए ढूंढना फिरना क्या, जब ये रिज़्क मकदर में लिख दिया इसके लिए घूमना फिरना क्या, वो कहने लगे घूमना फिरना भी मकदर में लिख दिया अल्लाह, और तेरे नसीबे में लिख दिया गया ना उसके लिए तीन चीजें शर्त है, नैबी फितरी कस्बी, तीन चीजें इसमें शर्त है तब हासिल होता है। फितरी ये कि तेरे नसीबे में लिखा हो, नैबी ये फिर तू वसीला पकड़े, कस्बी ये फिर तू मेहनत करे तब तुझे वो चीज हासिल होगी, अगर तीनों में भी चीज की कमी है तो ये कुछ हासिल होगा, नसीबे में भी हो वसीलो भी पकड़े तो मेहनत भी करे तब ये चीज हासिल होती है। बाकी ये जो इलम है ना किताबों वाला इसके लिए हमें दिक्कत कहते हैं, इसके लिए अबू हुरैरा फरमाया था मुझे हजूर पाक से दो इलम मिले, एक तो मैं बताया दूसरा बताऊं तो मुझे कत्ल कर दे। अब आप सोचते होंगे कि वो कौन सा इलम था जिसके इलम भी हजूर पाक ने सिखाया और उसको लोग कत्ल भी कर सकते हैं, वो कौन सा इलम होगा, सोचते हो ना हजूर पाक को गलत इलम सिखा भी नहीं सकते थे, तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि मैं बताऊं तो मुझे कत्ल कर दो, उसका आज तुम तजुर्बा कर रहे हो ना वो यही इलम था, वो यही इलम था ना, इस इलम में क्या कौन सी बात है जो वाजिब कत्ल के फतवे लग रहे हैं। हम मौलवी पाकिस्तान में सब एक हो रहे हैं, इसको कत्ल करने के लिए नाम बताओ, अभी उन्होंने फतवे लगाए हुए वाजिब कत्ल है, अब वो कह रहे हैं कि नाम इनाम रख दो कत्ल करने के लिए नाम, अब इसमें बात कौन सी है कत्ल किया, इससे भी अगला इलम लोगों की ये कुछ कुछ की समझ में आ गया ना, इस अगला और जो कुछ समझ में गया ये इलम कहता है नमाज ना पढ़ेगा गुनहगार हो जाएगा, यही कहती हूँ ना, अगला इलम कहता है तू नमाज पढ़ेगा तो गुनहगार हो जाएगा, कैसे गुनहगार हो जाएगा, हज किया तू अल्लाह से बातचीत कर रहा है, अल्लाह से दीदार दीदार में है, बातचीत में है, इधर आजान होगी वो छोड़ के तू नमाज पढ़ना, तू उसी के पास है जिसकी नमाज होती है, तू उसकी बातें बातें दीदार को छोड़ के नमाज में लग गया, ये इस किस्म के इलम है बड़े खतरनाक, इस वजह से जहां तक लोग पहुंचे होते हैं ना वहां तक भी बात कर जाते वो जो इलम है ना ये मार्फत जाएगा दीदार वालों को, दीदार तक जब पहुंच गया ना आप यही इलम है मार्फ दीदार के बाद आपका ये इलम है, सारे वही जो है ना दीदार में गए थे ना बस हमको सब कुछ मिल गया, अल्लाह के दीदार चाहिए थे सब कुछ मिल गया, वो इसी में खत्म हो गया, खुशी दीदार में रहते हैं देखते रहते हैं रोते रहते हैं कुछ खुशी मतलब वो दीदार में है, वो जो जिस इलम की मैं बात करता हूँ वो दीदार के बाद वो इलम चलता है ना, ये इलम दीदार का कहना दीदार के बाद और इलम हो जाए फिर ला या ताज इला रब्बे, उस इलम का ये है कि किसी का मोहताज उसकी जबान और रब की जबान एक हो जाती है, दीदार से पहले रब की जबान एक नहीं होती, उसके बाद रब की और उसकी उस वक्त कहता है मैं इसकी जुबान बन जाती हूँ जिससे जो बोलता है,
मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उस वक्त जब शाह शम सब्जारी राजा के बच्चे को कहा उठ, अल्लाह के हुक्म से मर गया था, वो नहीं उठा। दूसरी दफा कहा उठ, अल्लाह के हुक्म से नहीं उठा। तीसरी दफा आवाज आई, मेरा तेरा हुक्म ही अपने हुक्म से क्यों उठाता। उस वक्त उन्होंने कहा उठ मेरे हुक्म से, तो बच्चा उठ खड़ा हो। इसी बात के ऊपर उनके फतवा लगाया था, जिसने अपने हुक्म से उठाया अल्लाह के हुक्म से क्यों उठा, और चमड़ी उनकी उतार ली। जब चमड़ी उतार ली, ये वाक्य सुना होगा जो बड़े नजदीक इनके लोग थे ना, वो भी इनसे नफरत करने लगे। ये नहीं देखा कि बच्चे को जिंदा कर लिया कितनी करामत में, ये देखा अगर ये वली होते तो इनको पीड़ी में पड़ जाती। इस बात के ऊपर लोग जिस होटल में जाते थे वो उनको खाना वाना खिलाया करता था, उसने देखा दूर से आ रहे हैं, पक्षियां बैठी हुई हैं, दूर से एक शीशा गोश्त को फेंका कि नजदीक ना आए। फिर एक वो थी दाने भूनने वाले, वो बड़ी इनकी मौत करदा थी, बड़ी मोहब्बत थी, फिर उसके पास गए तो भून के देखा, तो उसने की जा बाबा जा, उसने फिर उनको गुस्सा आया, वो तू भी शमस तो मैं भी शमस, इसको भून के देख। फिर वो क्या हुआ, कहते हैं सबको पता लगा, सारे दौड़े, इतने लाखों इंसान सारे दौड़े माफिया मांगी, कहा नहीं अब फोन भी वापस आएगा। अब वो दिन आता है, जिस दिन वो आता है ना, उस दिन वो काम है कोई आदमी जरूर करता है 10-20-50 जब से वो मैं भी आया ना, शाही तेरा शाही मेरा शाही, उसकी पैदाइश की बात उम्मीद है कहीं है हो जाएगा। अल्लाह अकबर, बनकर मस्त मलंग रहेंगे तेरे संग रहेंगे। वो उनको खाना वाना खिलाया करता था, उसने देखा दूर से आ रहे हैं, पक्षियां बैठी हुई हैं, दूर से एक शीशा गोश्त को फेंका कि नजदीक ना आए। फिर एक वो थी दाने भूनने वाले, वो बड़ी उनकी मौत करदा थी, बड़ी मोहब्बत थी, फिर उसके पास गए तो भून के देखा, तो उसने की जा बाबा जा, उसने फिर उनको गुस्सा आया, वो तू भी शमस तो मैं भी शमस, इसको भून के देख। फिर वो क्या हुआ, कहते हैं सूरज नीचे आ गया, सबको पता लगा, सारे दौड़े, इतने लाखों इंसान लुटाने का, सारे दौड़े माफिया मांगी, उन्होंने कहा नहीं अब फोन भी वापस आएगा। अब जब वो दिन आता है, जिस दिन वो आता है ना, उस दिन वो काम है कोई आदमी जरूर करता है 10-20-50 जब से वो मैं भी आया ना, शाही तेरा शाही मेरा शाही, उसकी पैदाइश की बात वहाँ पर उम्मीद है कहीं है हो जाएगा। अल्लाह अकबर, बनकर मस्त मलंग रहेंगे तेरे संग रहेंगे। यहाँ तक तुम लोग पहुंच सकते हो भाई, यहाँ से गाड़ी चलाओगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ना पहुंचे ईरान तक पहुंच जाओ, कहीं तो निकल जाओगे ना। हम कहते हैं ना इस शरीर से भी आगे जाओ, गाड़ी चलाओ ना, कहीं ना कहीं पहुंच जाओ, किसी न किसी मंजिल तक पहुंच जाओ। तो उधर एक हदीस थी में, मोमन का किसी मकाम में रुक जाना, जब तुम्हारी गाड़ी चल पड़ी है, फिर गाड़ी चलने को बोलते हैं, अब गाड़ी चल पड़ी, अब तेरा रुक जाना हराम है, चलता जा चलता जा चलता जा, कहीं भी तुझे मौत आ गई, मौत को आना ही है ना, मतलब मंजिल से पहले भी आ गई तब भी तू शहीद हो गए। जो लोग अल्लाह के राह में मारे जाए उनको मुर्दा मत, तू अल्लाह को ढूंढता ढूंढता रस्से मारिया ना, तेरा मकाम तो शहीद होगा।
फिर ये है कि हम लोगों के ऊपर वो जो एक पड़ता है उसको अजाब अकबर बोलते हैं। आपने हदीस में जरूर पढ़ा होगा इलम अजाब अकबर। वो अजाब क्या है? आपको पता है आप उम्र ही भेजा जाए सरल राखन भेजा जाए आप सोचेंगे पैसे भी ले जाएंगे गर्म बिस्तर वगैरह नहीं भेजेंगे दो महीने के लिए भेजा जाए जहाँ सारी उम्र के लिए आप जाते हैं वहां कुछ सामान लेके जाए मरी जाओ दो महीने बाद वापस आ जाएगा फिर भी सामान लेकर देगा वहां से वापस भी नहीं आना वापस सामान ही बोलना उसकी क्या वजह इंसान के दबाव एक तब उसको हजाब अकबर बोलते वो कब जब आदमी मरने लगता है उस वक्त शैतान आपको पता है और किसी और भी को डालना वो जवान हो जाए उसको डालना जब वो पर्दा हटता उस वक्त वो आदमी कहता है काश मुझे मौका मिले अब मुझे मौका मिले अब मैं कुछ कर दिखाऊं अब मैं तो फरी जा रहा मैंने जो कुछ भी दुनिया में कमाया एक पाई भी मेरे पास नहीं बिल्कुल काम यही में छोड़ जा रहा हूँ ना तो जो मैंने लेके जाना था वो तो मैंने कुछ किया नहीं अब मुझे मौका मिले अब मौके का वक्त नहीं इसी तरह अफसोस में चला जाता या वो पर्दा हदीस में मरने से पहले मर जा एक हदीस में मरने से पहले ही मर जा तेरा ये जिक्र ये जिक्र ये जिक्र आखिर में जब ये जिक्र चलेगा ना इस जिक्र की गर्मी से वो पर्दा खुद खुद ही फट जाएगा ना तो तुझे मरने से पहले ही पता चल जाएगा कि मैं दुनिया में क्यों आया फिर यहाँ के लिए कम और वहां के लिए ज्यादा कम वो ये पर्दा है कि जरूरी की बात होता तब ये जोर होता है कुरान भी जोर दिया हर किसी को ताकि वो तब तेरा पर्दा फटे फट जाएगा फिर वो डालेगा फिर उसी गर्मी से फट जाएगा फिर फट जाएगा तू महफूज वहां पे जब जाएगा जब उसका पर्दा फटेगा ना तो उसको और कुछ ज्यादा जनहर तक क्या हो जाएगा काम दुनिया का भी करेगा दुकान वाले भी करेगा फसल खुद होगा तो सब कुछ करना करेगा मेरे पास पहले अच्छा खासा पीता अच्छे कपड़े पहनता था घूमता फिरता जाता अब इसको ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही पागल हो ठीक है ना आगे यौम महशर में अल्लाह ताला फरमाएगा कि सबसे ज्यादा अकल मंद खर्च सबसे पहले हमारे मौलवी खड़े होंगे नहीं फिर हमारे ये फौजी वाले खड़े होंगे हम अकल मानते मुल्कों में दफा किया तुम भी बैठ जाओ फिर हमारे सियासी खड़े हो जाएंगे तुम भी बैठ जाओ क्रिकेट वाले इमरान खान को पता चले हम ये अकलमंद होंगे मुल्क का नाम रोशन किया था नहीं तुम बैठ जाओ फिर और कौन अकलमंद है नहीं ये जो फटे पुराने ये पागल थे ये पागल थे तुम पागल थे तुमने वहां के लिए किया वहां मकान बनाए वहां छोड़ के आ गए इन्होंने यहाँ मकान बनाए इसमें पागल बोले तुम अगर अल्लाह ताला चाहता जब अब भी जिसको चाहता है दौजख में जिसको चाहता है शैतान यही है ना जिसको चाहता भले सहयोग में नमाजा पढ़ता चैन भले शैतान की तरह एक की नाफरमानी से गांधी बना दे दोस्ती कर दे तो चाहे वजीर बिन याद है या अबू बकर हवारी डाकू को वो एक ही रात में वली बना दे जिसको चाहे जब जिसको चाहता है तो फिर इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या था वहीं से चाहता वहीं किसी को दोस्त में भेजता जिसम तो नहीं जाता अभी जिसम रूह ही जाएगी ना तो जिसको चाहता उस रूह को दोस्त में उस रूह को बेच वहीं से भेज देता था या नीचे लाने की जरूरत थी सिर्फ जब किसी को जब दोस्तों में भेजता ना रूह एतराज करती अल्लाह मैंने क्या भाई ऊपर क्या था मैंने क्या किया अल्लाह कह रहा तूने वो इकरार किया था अमल तो नहीं किया था उस अमल के लिए अल्लाह ताला मुंह पर नीचे लाया थोड़े अरसे के लिए नीचे लाया तो फिर जब कहेंगे ना कि हमने क्या किया था अल्लाह ताला फरमाएगा थोड़े से अरसे के लिए तुमको दुनिया में भेजा था तुम क्या करके लाए इससे उसे पूरी करने के लिए लाया वरना जिसको चाहता वहीं से दो में जिसको चाहता वहीं से पेश अब ये जहां की जो जिंदगी है 100 साल जी लोगे आज का 100 साल भी नहीं जीता और वहां की जो जिंदगी है खत्म होने वाली है।
तो ये 100 साल खत्म होने वाली जिंदगी के बराबर है, 1 रुपया खरबों रुपयों की अहमियत रखती है, ये तुम्हारी जिंदगी उस जिंदगी का क्या अहमियत रखती है जबकि सारा दारो मदारी तुम्हारा 100 साल है। इसमें ये बिल्कुल 15 साल आदमी को मिलता है ना, 25 साल, 15 साल से पहले आपकी कोई किताब नहीं है, आप कोई गुनाह करें कुछ भी करें तो आपके माँ बाप के ऊपर या आपके सोसाइटी के ऊपर आपकी किताब नहीं है, 15 साल के बाद आपकी किताब शुरू होती है, उसमें जितने की बड़ी लिखते 40 साल तक लिखते रहते हैं, फिर हुक्म होता है जब कुछ 40 साल का हो जाए तो उसकी किताब लिख लिखना, यानी 25 साल है उसके, फिर उसकी किताब जाती है, वो इसी में मैं अभी जवान हूँ बुढ़ा हूँ घर में बुरा, जब उन पर किताब जाती है लिखा होता मैं तो अभी जवान हूँ तो वहाँ वो कुछ देने के लिए बुलाते हैं, तो फिर अगर कुछ 40 साल तक ने किया तो खत्म वो जो उसका अल्लाह का हिस्सा उसकी तरफ मोहर लग जाती है, अब तू अल्लाह अल्लाह कर या मैं अल्लाह अल्लाह करूँ इलामा इकबाल फरमाते हैं ना तेरी जरूरकारी ना मेरी जरूरकारी, ये जो अल्लाह का रास्ता है ना ये 40 साल तक उसके बाद तब कहा किसी ने धन जवानी तौबा कर खुशी हो, जिन लोगों ने जवानियों में तौबा करी ना वही कुछ पाक है ना बुढ़ापे में क्या मिलता है, 40 साल के बाद ये राय खास खत्म हो जाता है, उनमें कोई ऐसे होते हैं कुछ दूसरी ज्यादा पढ़ने वाले या किसी वली नस्बत से मोहब्बत करने वाले उनकी ये चीज कायम है, तो कोई हजारों में नहीं, यही वजह है कि तुमको इस सुनने में जो है ना ये नौजवान ये काम बुड्ढों का था ना, बुढ़े आते हैं लेकिन नहीं होता चले जाते हैं ना, कहते हैं या ये गलत कहते हैं या हमारे में कुछ चीज नहीं, जब ये आम खास खत्म हो जाता है अब जब ये 60 साल का हो जाएगा ना तो फिर इसकी किताब लेते हैं ना, हो सकता है ये तस्वीर तो बंद होगी, हो सकता है ये तस्वीर करना शुरू कर दे, 60 साल के बाद फिर किताब जाती है, 60 साल तक कुछ नहीं किया पर अल्लाह ताला उससे बेजार हो जाता है, हजूर पाक उसको सिखा देता है, इस वजह से जिन लोगों ने पाई है जब मकाम महमूद हो गया वैसा पूरा हो गया आप किस चीज की दुआ मांगे, लेकिन हमने दुबई के लिए दुआ मांगी, अब दुबई पहुंच गए फिर भी कहते हैं दुबई पहुंचा वो पहले की आए वो मकाम महमूद के कायल हैं लेकिन दीदार के कायल कहते हैं जिस कत्तूर ने वैदा फरमाया था वो तो पूरा हो चुका, बल्कि अब हजूर पाक उसी जगह जिसका आपने वादा फरमाया था, इस वजह से हम हो जाएंगे, तो सरकार ये दुआ उनके लिए गुनाह भी साबित हो रही होगी जब लोग ये पढ़ते हैं वो दीदार के मन करेंगे, उसके नीचे फिर लाहूत है फिर जबरूत है फिर मजबूत है फिर नासूत है, सबसे ऊपर आलम है ना अल्लाह ताला की किताब मकाम अहलियत, उसके बाद जो साथ दीजिए आलम मकाम इबादत उसको मकाम महमूदी भी बोलते हैं, हजूर पाक की रूह मुबारक वहां होती थी अल्लाह वहां से एक दूसरे से देखते रहते थे, सभी समझे बस एक जिस तरह तुम्हारे बॉर्डर का हाल है इस तरह, फिर जब हजूर पाक की रूह मुबारक इस दुनिया में आ गई फिर वो मकाम इबादत जो है वो खाली हो गया, रूह मार नीचे जो आ गई वो खाली हो गया ना, अब रूह मार फिर उसी मकाम पे चल गई ना, अब वही मकाम है हजूर पाक के जिस्म का नाम आपकी जो रूह है ना उसका नाम अहमद है, आपके ये जो जिससे आप बातें करते हैं ना उसका नाम अहमद है, आपके ये जो है उसका नाम अहमद,
مقام میں اسی کو مقام معمولی کہہ رہے ہیں. اور بلکہ عام جو ولی ہو جاتے ہیں وہ بھی ان کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, ان کے لیے پیارے وہ آیت تھی, ضرور تھی, وعدہ کیا تھا, لیکن وہ پورا ہو چکا معراج کی شب میں, وہ معراج کی شب میں پورا ہو گیا. ہندو سے بات ہوتی ہے کرشن سے, تو ہندو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہی وقت آئے گا تو بھگوان نے خود نیچے آنا ہے. انگریز کہتے ہیں گاڈ خود نیچے آئے گا, مسلمان کہتے ہیں رب, جس کے بارے میں نہیں مطلب ہے, جس کے لیے ہم جس کو مہدی کہتے ہیں, مہدی رشام آئے گا, یہودی کہتے ہیں مسیح آئے گا, سکھ تک کہتے ہیں. جب سب کا ایمان ہے اس کا مطلب ہے کوئی آئے گا, جب کوئی آئے گا تو اس کا انتظار کرو. انتظار کیا کرو, اس کو پہچانو گے کیسے کرو؟ اگر مسلمانوں میں ہوا تو یہودی نہیں مانے گا, یہودیوں میں ہوا تو مسلمانوں نہیں مانے گا. کیوں جی؟ جبکہ وہ سب کے لیے آئے گا, اب یہ کہ تم اس کو کیسے پہچانو. چور چور کو پہچانو گا, گلی گلی کو پہچانو. کیوں جی؟ چور وہاں بٹھاؤ, یہاں بٹھاؤ, نظریں ٹکرائیں گے, سمجھ جائے گا میرا پلٹی بھائی. ایک ولی وہاں, ایک ولی وہاں, ان کے دل ٹکرائیں گے, سمجھ جائیں گے کہ روحانی بندہ ہے. اپنے دلوں میں اللہ لگ پیدا کرو, تب تم مدی رسمان کو پہچان سکو, اس کے بغیر نہیں پہچان سکو. تیرے دل میں نور ہوگا تب نور روح سے ٹکرائے گا, پہچانے گا نا. اگر یہاں نور ہے تو نور ہی کیسے پہچانے گا؟ ضروری ہے کہ تم اپنے قلبوں میں اللہ, جب میں دیر اسلام کے سامنے جاؤں اللہ تیز ہو جائے گی, رکت پیدا ہو جائے گی, سمجھ آئے گی. یہ جو سب کو تیار کیا جا رہا ہے نا, یہ اس بندے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اس کو پہچانے کے ساتھ ہے نا. اگر پہچانے گے نا, سن سنا کے آ گیا تو وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. تیرے اندر اللہ ہے نا, اندر اللہ ہے نا, وہ سن کے آ گیا نا تمہاری بات, اس کے اندر اللہ نہیں ہے نا, وہ پہچان, تم نے پہچانا, تم نے اس کو, وہ تمہاری بات سن کے, وہ منافق بھی ہو سکتا ہے نا, وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے نا. اس وجہ سے یہ بلے ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی بھی ہو, سب کے اندر اللہ لگ جائے گا نا, تو کل اس کے پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی سب مذہبوں کو, کیونکہ وہ سب مذہبوں کے لیے ہوں گے نا, سب مذہب والوں کو آسانی ہو جائے گی ان کو پہچاننے کے لیے. اور ہم نے دیکھا یہ جو اللہ اللہ کو ملتا ہے, جو بڑے دل کے ہوتے ہیں, کمزور دل والے, یہ آپ جو ہے نا ہماری بڑے بزدل ہوتے ہیں, چور ڈاکو جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے دلیر ہوتے ہیں نا. میں دین اسلام کو دلیروں کی ضرورت ہے, ان کو دلیر لوگوں کی ضرورت ہے. اس وجہ سے بھلے چور ہو, ڈاکو ہو, رہا اس کے دل میں اللہ کا شان ہے. کیا شان ہے, ایک بہت آب زید ہے, ان کی مخالفت کر رہے ہیں, پہچان نہیں پیا تھا, مخالف کری نا. ولیم باور بہت بڑا آب زید ہے, موسیٰ علیہ السلام مخالف کری, اور کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا, اس کی بعد بڑا سب رائے چلی گئی نا, وہ صحابہ کا آپ کا کتا, نماز میں نہیں پڑھتا تھا, صرف اسے محبت کرتا تھا, اس محبت کے تو خیر وہ جنت میں جائے گا. تمہارے کو مہدی علیہ السلام سے محبت تب ہوگی نا جب تمہارے دل میں نور آئے گا, تمہارے دل میں نور آئے گا, تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی, اللہ پھر تم سے محبت کرے گا, تو پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے تمہارے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو جائے گی نا. جن سے وہ محبت کر رہا ہو تم بھی ان سے محبت کرو گے, مہدی علیہ السلام انہیں میں سے ہوں گے جن لوگوں سے اللہ محبت کر رہا ہے. لوگ ہم کو شکایت کرتے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ جوا کھیلتا ہے, یہ وہ کام کرتا ہے, اللہ بھی کرتا ہے, اس کا دل بھی چلتا ہے, ہم نے ہمارا مقصد اس کے جوئے شراب سے, ہمارا مطلب اس کے اللہ کا خیر, ہمارا مقصد ہے کل مہدی علیہ السلام آئیں گے, اس کو ساتھ ہو جائے دے گا نا, اور اس کو ساتھ دینے کافی ہے, جب ساتھ دے دے گا تو شراب تو کیا پتا نہیں کتنے کتنے کام اور دودھ لگ جائے گا نا, اس کو جو شراب کی فرصت نہیں ملے گی. اللہ ہم تم کو جنت کے لیے تیار نہیں کریں, یقین کریں,
अल्लाह के लिए भी त्यौहार हम तुमको बताते हैं, हम तुमको अल्लाह के लिए भी त्यौहार नहीं करे उनका सिर्फ साथ ही जो है ना आपके जी ने जान हर मकतबा फिक्र कह रहा है अल्लाह के लिए भी त्यौहार हम तुमको बताते हैं, हम तुमको अल्लाह के लिए भी त्यौहार नहीं करे उनका सिर्फ साथ मोहब्बत तब होगी ना जब तुम्हारे दिल में निर्मल आएगा, तुम्हारे दिल में नूर आएगा, तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह अगर तुमसे मोहब्बत करेगा तो फिर जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत कर रहा है तुम्हारे दिल में भी उनकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी ना, जैसे वो मोहब्बत कर रहा हो तुम भी उससे मोहब्बत करोगे, अल्लाह जी अलैहिस्सलाम उन्हीं में से होते हैं जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। लोग हमको शिकायत करते हैं कि नमाज नहीं पढ़ता, ये जुआ खेलता है, ये वो काम करता है, अल्लाह ने भी करता है, इसका दिल भी चलता है, हम भी हमारा मकसद उसको जुए शराब से, हमारा मतलब इसके अल्लाह से हमारा मकसद है कल मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे उसको साथ हो जाए देंगे ना, और इसको साथ देने काफी है, जब साथ दे देगा तो जुए शराब से क्या उनको पता नहीं कितने कितने काम और भी लग जाएगा ना, उसको जुए शराब में फुर्सत नहीं मिलेगी। हम तुमको जन्नत के लिए तैयार नहीं करें यकीन करें, हम अल्लाह के लिए भी त्यौहार हम तुमको बताते हैं, हम तुमको अल्लाह के लिए भी त्यौहार नहीं करे उनका सिर्फ साथ ही जो है ना आपके जी ने जान उनके लिए हर मकतबा फिक्र कह रहा है कि आज शिया योम विलाद मान मना था कि जा साल होगा उसने यौम विलाद मनाई है पैदा हो चुके आज पता नहीं कहाँ है लेकिन आ चुके हैं उनके अलम कहता है वो आ चुके हैं कहाँ तुम्हारे सारे वली कहते हैं वो आ चुके अभी वो डॉक्टर इसराफ जा रहे उनका किधर ही दूसरा है वो भी कहते हैं कि वो पैदा हो चुके वो इंग्लैंड में एक नाजम है उसको एक मराक के मुकाशे पे काफी कश है लोग पता बदल देते हैं हालात पूरे हो जाते हैं वो भी कहते हैं आ चुके तो हम भी तो उन्हीं के लिए त्यौहार करते इसके लिए अगर उनके लिए त्यौहार ना करते तो हम तुमको देखते ना तुम्हारे फेल को भी देखते फेल ना देखने की वजह जितना चोर डाकू होता हूँ उसको तो ज्यादा प्यार करते ये ज्यादा दिलेर होगा ज्यादा उनके साथ साथ दे सकेगा ना वो ये मौल भी क्या साथ ही भाग जाएगा क्योंकि सुना है वो जंगे भी करेंगे लोग उनको सताएंगे जंगे भी होंगे बिल्कुल आप लोगों को बात बढ़िया के کمرے نماز کمرے بند کرے کیوں بھائی اللہ تعالیٰ آخیا خوشی کا
اس پوشیدہ پوشیدہ نہیں آ کر یہ عبادت پوشیدہ نور برسی خون سے ہو گئے نسا بھی نسا دونوں چلا جا سکے دونوں کپڑ بھی چلے جا سو اتنے بھی اللہ نبض محسوس ہوئے اس نے اللہ ملا خیال یہ ہوا کہ اللہ ادھر بھی کیا جدھر خیال ہونا ادھر بھی پاس جانا کوئی ایسا کام کرو جس نے دل کر کے ورزش کرو اسی میں چلو یا اللہ نظر اللہ اسے دل کر کے اس طرح میں اللہ ہو کچھ عرصے بعد اللہ اس کو دیکھ سکتی رات ہی سن لگو دل اگر اللہ لکھنے لگے پڑھنے پڑھنے سو یہ کام تو سونا اب کیا جس کی اللہ چاہ سی نا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا سی نا گلے لا کے صحیح ہے اگر جاری نہیں ہوا تو نسا جتنا روزانہ سوا لکھ دفعہ اللہ 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 مہربان کیوں نہ اللہ مہربان کیوں نہ ہو تلک اسی نا پھر خود پوچھی بتا تین ایک دفعہ تلک جوڑ کے لوگوں کی شکایت ہے بڑے پریشان اللہ ہو جانا ایک ٹیلیفون ہے جس طرح اس ٹیلیفون بجلی ہونی ہے کام کرنا اس ٹیلیفون نور ہونا کام کرنا وہ بجلی لہرا اٹھنی ہے تو امریکہ نور نے